वगैरह जैकेट्स वगैरह वो सब आने शुरू होंगे मार्केट में। जिम में हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स मिलते हैं थोड़ा बहुत अमेजिंग व्यू है ना, खाने के बहुत एंजॉय करते हैं। हाँ रेस्टोरेंट है यहाँ पे सारे। हे गाइज वेलकम बैक टू अदर न्यू व्लॉग ऑफ पहाड़ी लंदन। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर 5000 सब्सक्राइबर काउंट, और वो अभी भी इंक्रीज हो रहा है तो मैं बहुत ही खुश हूँ। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाऊंगी, वो जल्दी ही आएगा। तो आज मैं जा रही हूँ टाउन, और आप देख सकते हैं कि बाहर जो है बारिश हो रही है काफी। स्टिल मैं इतना मोटिवेटेड हूँ क्योंकि सैटरडे आज कि मैं जाऊँ बाहर और यू नो एक्टिविटीज देखूँ क्या हो रही है टाउन में। तो चलिए फिर आज मैं आपको चलती हूँ और टाउन घुमाती हूँ। So let's start today's vlog. तो दोस्तों ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि जैकेट पहनना पड़ रहा है, मैंने हुड भी लगा लिया और छाता तो ऊपर से है ही है। अभी से जो है इतनी ठंड पड़ने लग गई है इंग्लैंड में अगस्त के स्टार्टिंग में ही। आई डोंट नो सितंबर अक्टूबर में क्या होने वाला है। अब जो है ना समर्स का जो है सेल है धीरे धीरे करके जा रहा है, अब विंटर का जो है कपड़े वगैरह जैकेट्स वगैरह वो सब आने शुरू होंगे मार्केट में। तो इस टाइम पे ना स्टॉक चेंज हो रहा होता है काफ़ी, तो अगर आपको समर्स के कपड़े ख़रीदने हैं तो यू कैन गो बिकॉज सेल वगैरह पे लगे रहते हैं। तो देखते हैं कि आज हमें क्या मिलता है टाउन में, सेल वगैरह मिलती है कि नहीं मिलती। जनरली वैसे जुलाई में लगती है मैंने सुना है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो दोस्तों ये मेरा फेवरेट स्पॉट है, यहाँ पर ना ऐसे पानी गिरता रहता है और पूरा जो है रिवर टाइप का है, और यहाँ पर ना बोटिंग होती है। तो ये पूरी कैनाल है ऑक्सफोर्ड में, काफ़ी कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रहा है यहाँ पे, बट आई जस्ट लव दिस प्लेस। यहाँ पे देखिए कैसे बत्तख भी तैर रही हैं, डक्स वगैरह, बहुत ही प्यारी लोकेशन। और ये हम टाउन की तरफ जा रहे हैं और इस तरफ भी हमारी रिवर निकलती है। हम लोग पहुँच चुके हैं वेस्ट गेट और यहाँ पर करेंगे थोड़ी बहुत शॉपिंग, और यहाँ देखते हैं अगर लंच वगैरह करेंगे। ये लेबनीज रेस्टोरेंट है। तो चलिए फिर अभी मैं जा रही हूँ जिम की तरफ, और देखते हैं कि जिम में हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स मिलते हैं, व्हाट ऑल वी कैन डू। काफ़ी भीड़ है बारिश होने के बाद भी ना। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम प्योर जिम। अंदर पता नहीं वीडियोग्राफी अलाउड होगी कि नहीं होगी, बट काफ़ी बड़ा है ये, बहुत बड़ा है ना, कि इतना बड़ा तो मैंने बर्मिंघम में भी नहीं देखा। काफ़ी लंबा स्पेस में ना कवर्ड है पूरा जिम में ना गाइस। ज़्यादा फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, वीडियोग्राफी वगैरह, तो मैं ये दिखा देती हूँ। यहाँ पर ना ये स्पोर्ट्स वाटर एज इन लाइक हाइड्रेशन के लिए जो ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक्स, वो आपको अवेलेबल रहती है फ्री में ही, जो आपका सब्सक्रिप्शन होता है उसमें। और यहाँ पर वाटर कूलर्स वगैरह इस तरीके से लगे हुए हैं, और ये हमारा सेक्शन है जिसमें कि आप जाकर के एरोबिक्स वगैरह जो भी आपको एक्सरसाइज करनी है वो कर सकते हैं। हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं। जिम से आने के बाद गाइस हम लोग बढ़ गए टाउन देखने के लिए। तो यहाँ पर ही ना प्यारी सी साइकिल रखी है, ऑक्सफोर्ड जो है सिटी ऑफ साइकिल बोलते हैं, तो हर जगह ना आपको साइकिल्स देखने को मिलेंगी। और यहाँ से जो है खूबसूरत सिटी पूरा ऑक्सफोर्ड का Amazing वो दिख रहा था हमें। कैसा लग रहा है व्यू? अमेजिंग व्यू है ना, खाने के बहुत एंजॉय करते हैं। हाँ रेस्टोरेंट है यहाँ पे सारे, और रात को तो बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम लाइट हो जाती है ना जब उस टाइम पे, बहुत अच्छा लगता है। सिटिंग एरिया कितना अच्छा बना रखा है बाहर, पर भीड़ क्यों नहीं है? मुझे लग रहा है बारिश है इसलिए सब अंदर ही हैं। आज सुबह से बारिश हो रही थी। हर्ब गार्डन, मेडिसिनल बेड्स, मेडिसिन के प्लांट्स उगा रखे हैं इन्होंने। ये है विगर्स, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये बार एंड ग्रिल है, और इतनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है ना इन्होंने पूरी, फ्लावर्स लगा के। पूरे रेजिडेंशियल एरिया है ये ऑक्सफोर्ड के। आगे तो भागे जा रहे हैं। मिला आपको एक आगे द ब्रेकफास्ट क्लब है। मुझे तो ब्रेकफास्ट क्लब में जाने के माने इंग्लिश हमें ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, और वो हेल्दी भी होता है काफ़ी। यहाँ बहुत ही प्यारी डेकोरेशन रखी गाइस, आई एम जस्ट लविंग इट। और अगर मैं आगे जाऊँगी ना तो आगे से अंकी व्यू देख के आती हूँ मैं, है ना? आ जाओ, काफ़ी प्यारी स्ट्रीट है ये ना, ऊपर लाइट्स भी लगी हुई हैं, रात को ये लाइट्स ना चलती होंगी।
और आपको याद है मैंने आपके एक वीडियो शूट किया था कि ऑक्सफोर्ड की जेल वाला, तो आपको याद होगा मैंने जो व्यू दिखाया था वो इसी साइड का था, पीछे की तरफ का। ये ऑक्सफोर्ड पूरी सिटी दिखाई दे रही है हमें, और ये है मॉल का एरिया, बहुत ही प्यारा है। ब्रेकफास्ट क्लब अभी रुक जाओ, आगे देखते हैं अभी जाओ। चलो चलो लेट्स गो। दिस इज़ मोगली, यहाँ पर इंडियन चाट वगैरह बहुत अच्छी मिलती है इन इंडियन होम किचन। तो जो भी यूके आ रहे हैं भाई, दे कैन कम टू मोगली, बहुत ही अच्छी चाट मिलती है यहाँ पर। और देखिए गोरी भी एकदम लाइन लगा के खड़े हैं। मेन्यू दिखा देते हैं, चाट बॉम्ब। तो चलिए चलते हैं ब्रेकफास्ट क्लब और करते हैं यहाँ का ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों मैंने मंगाया हुआवेज रेंच रोज, जिसमें कि केसडिया और यू नो एग्स वगैरह एवोकाडो वगैरह होता है, और अंकित जी ने मंगवाए पैनकेक्स। तो ये वीकेंड ब्रंच मेन्यू है। और सबसे पहले हमने मंगवा ली हॉट चॉकलेट्स, बहुत ही यम थी क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना जो है गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट से स्टार्टिंग करी जाए। और रेस्टोरेंट तो बहुत ही अच्छा था, अमेजिंग। दोस्तों मैं आ चुकी हूँ वापस शॉपिंग करके। सॉरी मैं बाहर शूट नहीं कर पाई क्योंकि बाहर ना बहुत बारिश हो रही थी और बहुत ज्यादा मेसी हो गया था, बट लेट मी शो यू कि मैंने क्या क्या सामान खरीदा है। तो सबसे पहले तो मैंने ना ये जैकेट खरीदी है, तो अब जैसे विंटर्स आ रही है ना, तो अभी इस टाइम पर जो है काफी जो है सेल वेल पे लग रही है सामान, तो वो आप ले सकते हैं। तो ये मुझे पड़ा है सेल पे £35 का। तो ये है एक बाय, माय नेक्स्ट बाय इज ये मैंने एक बाइकर जैकेट ली है, ये मुझे काफ़ी पसंद आई और विंटर्स के लिए ना काफ़ी अच्छी है ये। तो ये कलर ना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये ना सब में चला जाता है ऑलमोस्ट, ब्लैक बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, ब्लैक ब्लैक सा हर चीज़ ब्लैक। यूके में जब आई ना मैं नहीं तो मैंने देखा यहाँ पे लोग ना बिल्कुल भी कलरफुल क्लोथ्स नहीं पहनते थे, और मैं सारे इंडिया से कलरफुल क्लोथ्स लेके आई थी। बट धीरे धीरे ना आप यूज हो जाते हो इस फैशन के, तो यूजुअली आप यहाँ लोगों को देखोगे कि वो ब्लैक कलर, दिस ग्रे कलर, और यू नो दे कॉल इट एज इंग्लिश कलर, जो कि ना थोड़ा सा पिंकिश टाइप का होता है, लाइट पिंक, उसके लोग इंग्लिश कलर बोलते हैं। तो वो उस टाइप के कलर्स वो ज़्यादा यहाँ पर फेमस हैं। अगर आप ना ब्राइट से कुछ पहनेंगे येलो कलर के या यू नो ऑरेंज नियॉन कलर के, जो इंडिया में बहुत ट्रेंडी है, तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है एकदम चमकता है और हर कोई आप ही को देखेगा, ऐसा लगेगा आप डिफरेंट लगोगे। तो यहाँ का यूके का मुझे लगता है स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, बट एज यू बाय स्टफ यू गेट यूज टू दो स्टाइल, और वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। सो दिस इज द बाइकर जैकेट। नेक्स्ट बाय इज मैंने ये टॉप लिया है, तो ये जो है नेक्स्ट का टॉप है, टॉप एज लाइक दिस इज अ स्वेट शर्ट काइंड ऑफ थिंग। तो ये भी मुझे पड़ा है £28 का, थोड़ा महंगा है बट मुझे अच्छा लग रहा था कलर तो मैंने ले लिया। ये ऑफिस के लिए अपनी स्कर्ट, ये प्यारी सी स्कर्ट मैंने ली, ये मुझे सेल पे पड़ी है, तो ये मुझे पड़ी है गेस कितने की पड़ी होगी मुझे ये सेल पे, तो मुझे पड़ी £10 की, विच इज लाइक रियली चीप। ली है स्कर्ट, लॉन्ग स्कर्ट, तो ये मेरा फेवरेट बाय है आज का, और ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी गाइस ऑनेस्टली। पहले दिख रही है कि नहीं दिख रही है, मैं किसी जगह जाऊंगी ना तो पहन के आपको दिखाऊंगी। तो ये मुझे पड़ी है £25 की, तो ये भी काफी अच्छा बाय, मैंने नेक्स्ट से लिया है। मैंने ऑफिस की पैंट ली है, ब्लैक जेगिंग जिसे कहते हैं, तो ये भी मुझे, ये मैंने नेक्स्ट से ली है, तो ये मुझे पड़ी है £16 की, यानी कि 1600 इंडियन रुपीज। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो रीजनेबल प्राइस। तो बस यही था मेरा आज का जो है शॉपिंग हॉल, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा गाइज। तो फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ, स्टे ट्यून्ड, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए आगे लेके आने वाली हूँ, और एक सरप्राइज भी मैं जो है रिवील करूंगी जल्दी ही। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। See you guys. Take care. Bye-bye.